नमस्कार। भारतीय टीम के कप्तान और आईपीएल में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से पहले घोषणा की कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 क्रिकेट की कप्तानी छोड़ देंगे। तो वहीं आईपीएल 2021 का दूसरा फेज शुरू होने से पहले उन्होंने आईपीएल 2021 के बाद से आरसीबी की भी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। विराट कोहली के एक के बाद एक बड़े फैसले लेने पर सभी हैरान थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि विराट ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और अब वो आईपीएल में भी कप्तानी करते हुए नहीं दिखाई देंगे। विराट के कप्तानी छोड़ने की दो वजहें बताई गई। पहली वजह बताई गई कि कोहली ने कप्तानी छोड़ने का फैसला वर्कलोड घटाने के चलते लिया। कोहली ने भी यही कहा। कोहली ने कहा कि कप्तानी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण तो वर्कलोड है। दूसरा कारण कोहली ने बताया, कोहली ने कहा कि एक और कारण ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बेईमान नहीं होना चाहते थे। कोहली ने बताया कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं जो अगर अपना 120% नहीं दे पा रही हैं फिर भी इससे चिपके रहे। बता दें, कोहली कभी आईपीएल में आरसीबी को कोई भी खिताब नहीं दिला पाए हैं। यही नहीं, पिछले 2 साल से उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं आ रही है। कोहली ने इस दौरान अर्धशतक तो कई लगाए लेकिन वो अपनी पारियों को शतक में तब्दील नहीं कर पाए। आईपीएल को छोड़ दे तो विराट कोहली भारतीय टीम को अभी तक कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं दिला पाए हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कप्तानी में टीम का परफॉर्मेंस खराब रहा हो, भारतीय टीम ने कोहली की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया लेकिन टीम ट्रॉफी से वंचित रही। यही वजह रही कि कोहली पर लगातार प्रेशर बढ़ता गया और उन्हें कप्तानी छोड़ने का फैसला करना पड़ा। कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली का कहना है कि कप्तानी से हटने के बाद वो बतौर बल्लेबाज टीम में अपना योगदान देना चाहते हैं और अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कोहली 50 ओवर के फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान संभाले रही है। कोहली की कप्तानी में भारत 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा। ऐसे में कोहली की कोशिश रहेगी कि वो जाते जाते भारतीय टीम को कप दिलाकर ही जाएं। आपको क्या लगता है, कोहली भारत को कप दिला पाएंगे या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।